हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास, क्लास फोर्थ, यूनिट फोर, एक्सरसाइज 4.3। स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर फोर है। ये एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फोर, इसे देख लेते हैं। ऐड बाय द ब्रेकिंग ए नंबर। स्टूडेंट, इनमें से दो नंबर दिए गए हैं, आप इन्हें ऐड करके आंसर देख सकते हैं इनका। अगर आप इसे इन्हें ऐसे ऐड कर लें, ठीक है, जैसे दिए गए हैं। स्टूडेंट, चलो आज हम आपको ऐड करना बता रहे हैं कि अगर ऐसे दो डिजिट ऐसे लिखी हुई है तो उन्हें आप कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट देखो, ये वंस वाली डिजिट है, ये भी वंस की डिजिट है, आपको हमेशा वंस को वंस में ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट क्या हो गया, फोर और थ्री कितने हो गए, सेवन, ठीक है। स्टूडेंट अब ये क्या है, टेन, ये भी टेन प्लेस पे है। स्टूडेंट आप टेन टेन को प्लस करेंगे, ये फाइव है, ये सिक्स है, कितने हो गए, अलेवन का वन और केरी वन, यहाँ लगा देंगे स्टूडेंट। अब ये हंड्रेड प्लेस है स्टूडेंट, ये भी हंड्रेड प्लेस है, तो 100 प्लेस को 100 प्लेस में करेंगे, 5 और 1 6 और 1 7, ओके स्टूडेंट। अब ये 1000 प्लेस है, हमेशा 1000 प्लेस को 1000 प्लेस में ऐड करेंगे, तो ये 7 है स्टूडेंट, ये 2 है, तो कितना हो जाएगा, 9, ठीक है जी। ये 10000 प्लेस है और ये भी 10000 प्लेस है, तो ये 2 है और ये 3 है, तो कितना हो जाएगा, 5, भाई ये 3 है और ये 2 है, 5, और ये लैक प्लेस पे है स्टूडेंट, ये भी लैक प्लेस पे है, तो लैक प्लेस पर 1 1 है, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2, तो जो आपका आंसर आ गया, ये आ गया जी 2,59,770, ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये आंसर आ गया, ठीक है, लेकिन हमें इसका आंसर जो है वो इस मेथड से नहीं लाना, ठीक है जी। तो हमने आपको एक बार सिखाया कि अगर ऐसे नंबर लिखे हुए हो तो उन्हें आप कैसे ऐड करते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिन्हें पता नहीं होता कि ऐसे अगर डिजिट लिखे होते हैं तो हम उन्हें कैसे ऐड करेंगे, है ना। तो आप, अगर आपसे ऐसे ऐड नहीं होता तो आप इसे इसके नीचे लिख दीजिए, कॉलम में अरेंज कर लीजिए और फिर ऐड कर लीजिए, वो ही आंसर आएगा। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन ने कहा है कि भाई इसे एक नंबर को ब्रेक कर दो, ब्रेकिंग माने तोड़ दो, है ना। तोड़ते कैसे हैं स्टूडेंट, इनके इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लेंगे तो ब्रेक हो जाएगा, है ना, विस्तृत रूप में लिख लेंगे स्टूडेंट। जो पहली डिजिट है सर, सेम की सेम लिखेंगे, 1, 3, 2, 1, 5, 4, ओके स्टूडेंट। अब यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, पहली डिजिट को सेम की सेम लिखेंगे, इसे ब्रेक नहीं करेंगे। जो सेकंड डिजिट होती है इसे हम ब्रेक करते हैं। ब्रेक कैसे करते हैं स्टूडेंट, आप मान लीजिए, आप इसमें ये मत सोचिए कि इस सवाल को यहाँ से नू मानिए, एक सब क्वेश्चन है और आपको इसे एक्सपेंड करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है जी, बस इतना मान लीजिए तो आपका बर्डन कम हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म का क्या मतलब होता है, जो लास्ट में लेफ्ट हैंड पे डिजिट होती है लास्ट की, उसे वन उसे लिखता है, वन है तो वन लिख लिया, वन का अगर कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 50 ऐड कर दीजिए, हो गई स्टूडेंट 5। फिर प्लस का चिन्ह लगाइए, हमें तो एक्सपेंड करना, फिर 2 लिख रहा है, 2 का आगे कितनी हो जाएंगी, 4, 1, 2, 3, 4, अब क्या है जी, 7, 7 का आगे कितनी हो जाएंगी, 3, 1, 2, 3, एक एक जीरो कम होती हुई चली जाती है, ठीक है जी। अब है 5, 5 का आगे कितनी हो जाएंगी, 2, फिर 5 से 6 के आगे 2 है तो 1, अब 1 है तो कोई भी नहीं, तो स्टूडेंट ये एक्सपेंड हो गया, ठीक है जी, क्या हो गया, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई।
सेकंड वाले नंबर की जो हमें इसमें ऐड करना था। ठीक है जी, ये जो क्वेश्चन हमने आपको ऊपर बताया था स्टूडेंट, इसका इसका ये इस क्वेश्चन में नहीं है, तो हमने ऐसे समझा दिया था आपको। ठीक है, तो इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ये क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है इसका सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, आप देखिए अब इन दोनों को ऐड करेंगे, आप यहां तक को इन दोनों को ऐड करेंगे। इन्हें ऐड करने का मतलब क्या है स्टूडेंट, कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है स्टूडेंट। इनके से देखिए 1 2 3 4 5 यहां तक है, तो स्टूडेंट ये 6 है ये भी 6 है, यानी कि प्लेस 1 10 100 1000 10000 lakh प्लेस पे है, तो 1 10 100 1000 10000 lakh, तो स्टूडेंट लैक लैक प्लेस प्लस कर दी तो कितना होगा 1 1 2 हो गए, और बाकी सब जीरो है, जीरो जीरो इसमें ऐड करेंगे तो यहां से सब जीरो हो जाएंगे, ये सेम के सेम नंबर आ जाएंगे, 2 का 2 1 का 1 5 का 5 4 का 4। स्टूडेंट आप यहां प्लस का चिन्ह लगाएंगे आप, तो हमने इन्हें दोनों को ऐड कर दिया। अगर आपसे ऐसे नहीं होता तो स्टूडेंट आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, तो देखो आया ना ये आंसर, तो आपने एक डिजिट ऐड कर दी। ठीक है जी, अब आप जो भी डिजिट बची है तो ऐड हो चुकी, ये तो खत्म हो गई, अब जो भी डिजिट बची है उन्हें सेम की सेम यहां पे लिखेंगे। ऊपर से देख के सेम की सेम जो भी डिजिट है उन्हें आप नीचे लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे, अब स्टूडेंट इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 यानी कि 5 नंबर पे ऐड होगी स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 यहाँ पे ऐड होगी 3 में, 3 के साथ, तो 2 सेम का सेम रहेगा और 3 2 5, और आगे 0 है तो 0 ऐड करेंगे तो सेम की सेम डिजिट रहेगी, तो ये हो गया। अगर आपको नहीं हो रहा तो स्टूडेंट आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, देख लीजिए स्टूडेंट ऐड करके यही डिजिट आई, आई ना सेम, तो स्टूडेंट आपने यहां प्लस का चिन्ह लगाया आपने, तो स्टूडेंट ये तो कंप्लीट हो गया, ये इसमें ऐड हो गई, तो अब क्या बचा आपके पास, 700 प्लस 500 प्लस 60 प्लस 3, तो 1 by 1 स्टूडेंट जितनी भी डिजिट आपके पास है वो सब इस वाले डिजिट में ऐड करते हुए चले जाएंगे आप। तो अब स्टूडेंट 1 2 3 4 4 नंबर पर ऐड होगा, 1 2 3 4 4 नंबर पर 2 है, 2 और 7 ऐड करेंगे तो 25 9 1 5 4 प्लस अभी ऐड होगा इसमें, तो ये तो लिखने जाने का स्टूडेंट, अब यहां क्या है 500 प्लस 60 प्लस 3। ठीक है जी, अब स्टूडेंट 1 2 3 नंबर पे ऐड होगा, 1 2 3 यहां पे ऐड होगा स्टूडेंट, 2 5 9 5 और 1 6 5 4। ठीक है जी, 500 इसमें ऐड होगा, अब ये यहां लिखने जाने का, अब ये 60 प्लस 3। ओके स्टूडेंट, 1 2 2 नंबर पे ऐड होगा, 1 2 5 के साथ ऐड होएगा स्टूडेंट, है ना 5 9। तो स्टूडेंट अगर हम 5 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 कैरी 1 रह जाएगा, वो इसमें प्लस हो जाएगा 7।
आरजी फोर अब प्लस थ्री। अब देखो वंस वंस के साथ ऐड हो रहा है स्टूडेंट, थ्री और फोर सेवन, वन का वन सेवन, नाइन फाइव टू। अब स्टूडेंट देखिए ये आंसर आ गया। अब यहां एक बार ऊपर देखिए आप, इन दोनों को हमने ऐड करा था, क्या आंसर आया था हमारा, टू ऊपर भी टू है, फाइव फाइव, नाइन नाइन, सेवन सेवन, वन वन और सेवन सेवन। तो स्टूडेंट इन दोनों डिजिट को ऐड करके और जो भी बाद में ऐड करके ब्रेकिंग मेथड से जो भी आंसर आएगा उसे आप ऐसे लिखेंगे और दोनों को मैच कर लेंगे। अगर दोनों आंसर एक जैसे है तो आपका क्वेश्चन सही है, अदरवाइज रॉन्ग है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार आपको करना है। तो